हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर नेक्स्ट ब्लॉग। तो गाइज मॉर्निंग हो गई है और मॉर्निंग का टाइम हो गया 9 o'clock, तो हो गया 9:24 हो रहा है। तो फिलहाल यार अभी चलते हैं क्लिनिक पर और करते हैं अपने दिन की शुरुआत। क्लिनिक पर पहुंच गए तो फिलहाल चलते हैं यार। एक्चुअली ना एयर शो चल रहा है, आज लास्ट है, 17 है ना, आज लास्ट दिन है एयर शो का। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है यार, इसलिए जल्दी निकलना पड़ता है। बहुत आधा घंटा ट्रैफिक में ही लग जाता है यहीं पर ही। तो फिलहाल यार कोई ना, चलते हैं यार, देखा जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं क्लिनिक पे। यार गाइज ये इस पेशेंट का होंठ कट गया, स्टिचेस लगा दिए हैं, दो स्टिचेस इधर और दो अंदर, इधर अंदर से भी फट गया था। तो फिलहाल यार स्टिचेस लगा दिए हैं, ठीक हो जाएगा। बड़ा बुरा हुआ एक्चुअली। क्या हुआ ना, ऊपर वो लेवर का काम करता है तो ऊपर से लकड़ी गिर गई होगी, ऊपर सेकंड फ्लोर से लकड़ी गिरी और वो सीधे यहाँ आर पार हो गई। अब पता नहीं, मुझे तो यही बताया तो जैसे भी है। तो फिलहाल यार कोई नहीं, अभी लग रही है भूख तो कुछ लेके आता हूँ बेकरी से, यहीं से बराबर में है तो ले लेते हैं, फिर खाते हैं पीते हैं। मतलब यार गाइस लग रही है बड़ी तेज़ की भूख, तो हम लेके आए हैं मिल्क, तो बादाम मिल्क है तो इसे पी लेते हैं, थोड़े आराम मिलेगा, ठंडा है, ठंडा ठंडा मज़ा आ जाएगा। तो फिलहाल पी लेते हैं यार। यस यस पकड़ो। ओम शिवाय नमः, विशेषाय नमः। मिस हो गया, मिसिंग हो गया। नहीं, क्या ले चुके क्या हो रहा है ये? बोलो बताओ। आया देखो, आया चला के देखो, एक कट कर, पेन भी हो रहा है और वेन में भी है, देखो चल रही है।
ये वो तो बन तो बड़ा बड़ा क्या गाइस, अभी अपन आ गए हैं यहाँ पे इधर क्लिनिक पे और टाइम हो गया है 3:28 हो गए हैं, दोपहर हो चुकी है। उधर मैं गया जाता हूँ खाना खाने के लिए, जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो खाना खाने के लिए जाता हूँ इस वाले क्लिनिक से उधर वाले क्लिनिक पे। तो खाना वगैरह अपन का हो चुका है, अब वेट कर रहे हैं पेशेंट के। पेशेंट आएंगे 4-5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद ही आते हैं। तब तक यार क्या करूँ, सोच रहा हूँ सो जाऊँ यहीं पर हेड डाउन करके टेबल के ऊपर। फिलहाल देखते हैं क्या करना है यार। फिलहाल फाइनली अभी थोड़ी देर में चलने का टाइम होने वाला है, 7:55 हो चुका है। और अभी ना अम्मा है, उनको लग रही है ट्रिप। इनको ड्रिप लग रही है, एक्चुअली फीवर है, कफ है, तो इसने ड्रिप लगा दिया। और सुस्त भी है, मतलब वीकनेस है, तो ड्रिप लगा दिया है। कोई नहीं, हो जाएगा। तो यार गाइस, कल वाली वीडियोस पे आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मतलब कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, इतना रो रहा है वो, ये वो जो भी है, वाट एवर। एक्चुअली क्या था, उसकी मम्मी ने मुझे फोर्स किया लगाने के लिए। मैंने पहले ही मना कर दिया था कि मैं नहीं लगाऊंगा, मैंने मना किया, बट उन्होंने फोर्सली बोला कि लगा दो। और यहाँ पे लोगों को क्या है कि अगर इंजेक्शन नहीं लगाओगे तो मतलब समझ लो सब बेकार है। इंजेक्शन नहीं लगाया तो दवाई भी असर नहीं करेगी, यहाँ के लोगों की मैंटलिटी है। ओके, सो कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचिए और टाइटल को अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। अगर नहीं पढ़ना आता तो पड़ोसियों को या अपने किसी को दे सकते हैं पढ़ने के लिए। ओके, एंड माइंड योर बिजनेस, मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना है क्या नहीं। ओके, फाइनली अभी चलने का टाइम हो गया, चलते हैं। टाइम हो गया है 8:28, तो निकलते हैं यहाँ से, अब चलते हैं। 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा रूम पर, फिर खाना वाना बनाएंगे, खाएंगे, फिर सोएंगे यार, चलते हैं फिलहाल। तो यार गाइस, फाइनली अपन आ गए रूम पे और लाइट ऑन कर लेते हैं। और टाइम हो चुका है अभी 9:05, तो आधे घंटे में पहुंच गया हूँ करीब। थोड़ा दूर है ना, तो कोई ना यार, चेंज करते हैं, खाना वाना बनाते हैं फिर। गाइस फाइनली टाइम हो चुका है 11:13 हो गए हैं, सोने का टाइम हो गया, सोते हैं। और यार आज एक बात बताऊँ, मेरे बाल इतने ज़्यादा बड़े हो गए क्या, कुछ ज़्यादा ही। मेरे को ना दो नहीं, 3 जनों ने टोक दिया कि बाल कटवा लो भाई, पता नहीं क्यों इतने बड़े हो गए क्या, पता नहीं यार। अब अपने बाल किसी को बड़े थोड़ी लगते हैं, छोटे लगते हैं, मुझे तो नहीं लग रहे इतने बड़े। चलो यार, फिर संडे वनडे में कटवाएंगे गाइस यार, फिलहाल देखते हैं संडे। अभी 2 दिन हैं बीच में, 1 दिन है, तो फिलहाल यार फिर गाइस सोते हैं और अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ब्लॉग। बाय गाइस।